हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। रुचि सोया जो एक शेयर था पेनी शेयर में, आज बहुत बड़ा शेयर बन चुका है। ये पिछले अगर 2 साल का डाटा देखेंगे, इसका मंथली चार्ट अभी लगाया है उसमें, अब 2 साल के चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2020 का चार्ट है, 2020 से पहले के चार्ट में आप देख पा रहे 2 रुपया 2.5 रुपया से वो गया था, हाई बनाया था कम से कम 1500, मैंने कितना गुना बढ़ गया था एकदम एक ही बार में। जब कोरोना काल में सारे शेयर गिरते रहते हैं तो ये शेयर सबसे ऊपर की तरफ चल रहा था, और अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट पूरा 4-5 महीना ऐसा करता रहा। तो इस यही पेनी शेयर का मतलब है, पेनी शेयर में ऐसे ही लोग आते हैं, जिस लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वही लोग ही निकलते हैं। तो आपको पता है रुचि सोया जिस कंपनी का मालिक है, वो कंपनी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए थे रुचि सोया के ऊपर, तो इसीलिए रुचि सोया का शेयर बहुत तेज़ी से भागा था। तो अभी के टाइम में रुचि शेयर फ्लाई पैटर्न टाइप का बना रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लाई पैटर्न टाइप रहे, ऐसे ऐसे फ्लाई पैटर्न बना के फिर एक अपर सर्किट तोड़ेगा और फिर ऊपर की तरफ चलने लगेगा। अभी के टाइम में रुचि सेया का जो न्यूज आया था 2923 करोड़, उसमें और इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसी के चलते मार्केट में जो अभी शेयर है, ये 1 मंथ का कैंडल है, इसको अगर 1 डे कैंडल कर देंगे ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर न्यूज आया था जब 700 रुपया में था, अभी 3 स्टेप चढ़ गया है, यानी 923 तक पहुँच गया। तो हम नेक्स्ट टारगेट हम कैसे देखेंगे, ये तो ऐसे फ्लाई पैटर्न टाइप का यहाँ से यहाँ तक बनेगा। न्यूज़ बेसिक में स्टॉक में जब भी चढ़ा आता है उस टाइम ज़्यादा भी गिरावट भी आता है, और ये पेनी शेयर भी है, इसका जो शेयर का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हुआ है, इसमें एनालिटिक्स भी फेल मार जाते हैं। अब हमेशा याद रखना, कोई भी शेयर में न्यूज आता है, न्यूज़ बेसिक में अगर ये बढ़ता है तब जब न्यूज़ ख़त्म हो जाता है तब उसी रफ्तार से ही गिरता है, तो लोग ट्रैप हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर इस शेयर में आपके पास है आप तो बढ़िया है, होल्ड करके रखिए कम क्वांटिटी के साथ, अगर नहीं है तो अभी के टाइम में नहीं लीजिए, जब ये फिर दोबारा 700 के पास आएगा, 750 के पास, क्योंकि यहाँ पर 3 बार सपोर्ट ले चुका है, तब भी फिर से एंट्री करना है। अगर अभी भी लेना है तो कम क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं, ताकि नीचे गिरने से भी और ले सकते हैं। तो पेनी शेयर में यही है, एक ही फायदा है, आप रिस्क नहीं लेना है, कम क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है और टारगेट भी उसी तरह रखना है, जैसे 100-200 टारगेट अचीव हो गया तो निकल जाना है, क्योंकि पेनी शेयर ट्रैप भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, रुचि शेयर तो बहुत बड़ा शेयर बन चुका है, तो पेनी शेयर से बड़ा शेयर बन चुका है, बहुत गुना परसेंटेज दिया है। तो आपको ध्यान देना है हमेशा स्टॉप लॉस और मार्केट स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देना है, और जैसे टारगेट 100 पॉइंट हो जाता है तो आप एग्जिट कर देना है। तो रुचि सोया का यही है वीडियो, छोटा सा वीडियो था, मैं यही बात कर रहा था। इसका देखो पीछे का वीडियो कैसे ऑफर सर्किट लगा है, एकदम आप देख पा रहे हैं यहाँ से कैसे लगातार ऑफर सर्किट। तो यही है रुचि शेयर का स्ट्रेटेजी, पेनी शेयर से बहुत बड़ा शेयर बन चुका है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो वो 1000 टारगेट लगा के एग्जिट हो सकता है, फिर बाद में भी एंट्री कर सकते हैं 750 के पास। तो ये रहा वीडियो, वीडियो कैसा लगा थैंक यू लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं। थैंक यू बाय।